hello friends very warm welcome to lk academy i hope every one of you is safe and doing well at your home uh, so today we welcome you in the current affairs lectures and we will continue to learn about the new topics of uh, the recently placed activities for the month of july i hope that you have gone through the uh, previously uh, taught lectures because some of the as conveyed earlier that some of the

IR. Okay, ओके what is इज द do डू यू अंडरस्टैंड India इंडिया रिजेक्ट्स proposal? प्रपोजल पहले तो ओ आई सी क्या है इंडिया के ओ आई सी के साथ क्या रिलेशन है क्या लेना देना है वो हमें सीखना पड़ेगा एंड देन वी विल कम टू नो दैट ओ आई सी का क्या प्रपोजल था जो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिजेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक प्रपोजल टू असिस्ट अ डायलॉग इंडिया एंड पाकिस्तान चलिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को हमें डिस्कस करना होगा पहले तो है ओ आई सी मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो दुनिया के ऑलमोस्ट सारे इस्लामिक देशों का बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद अगर मेंबर uh, वाइज कोई स्ट्रेंथ देखी जाए तो दैट इज़ सबसे बड़ी किसके पास स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के पास उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था कि ओ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर के तौर पर काम करना चाहता है मीडिए मेडिये, तो मीडिएटर के तौर पर जो रिजोल्यूशन लाने की कोशिश कर सकता है ओ बट इंडिया ने काफ़ी सालों से uh, ये एक पॉलिसी बना के रखी है कि कश्मीर का जो इश्यू है दैट इज़ अ बायलैटरल इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कोई भी तीसरा देश या कोई भी तीसरी एजेंसी की प्रेजेंस को इंडिया विल नॉट एंटरटेन यूएसए के जब प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोला था कि आई कैन बी ए मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान राइट बट इंडिया ने पाकिस्तान यूएसए uh, जैसी बड़ी पावर को मना कर दिया दैट वी डू नॉट वांट एनी एक्सटर्नल प्रेजेंस इन बिटवीन अस तो ओ को भी यहाँ पे मना कर दिया गया है अर्लियर इन डिसम्बर 2020 इंडिया आल्सो रिजेक्टेड इट्स कश्मीर पॉलिसी बाय दी ओ क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस विद अ मेम्बरशिप ऑफ फिफ्टी स्टेट्स इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इट एंडेवर्स ऑफ टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी अबोंग वरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया इज नॉट अ मेम्बर ऑफ द ओ आई सी बट कुछ सालों पहले जब सुषमा स्वराज हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी एज अ स्पेशल गेस्ट इंडिया को बुलाया गया था ओ आई सी में और एंड इंडिया हैज़ अटेंडेड

जिसका हेड है जद्दा सऊदी अरेबिया में तो देखिए बेसिकली जो रेड कलर कोडेड के अंदर आपको जो कंट्री दिए गए हैं दो कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ ओ मेजरली जो मुस्लिम बहुल जो कंट्रीज़ है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है आ, या तो जो कंट्रीज़ मुस्लिम रीजन मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर रही है उन कंट्रीज़ को ओ में रखा गया है ओके सो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉपोरेशन इट वाज़ फाउंडेड फाउंडेड इन 1969 फर्स्ट ओ चार्टर अडॉप्टेड इन 1972 देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन uh, का चार्टर का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफिक विजन डिक्लेयर करना ओके नंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज 57, फाउंडिंग मेंबर्स वर 30 एंड की बॉडीज़ कौन सी कौन सी है जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जनरल सेक्रेटरीट इस्लामिक समिट एंड अल कोड कमेटी। तो ये uh, जो मेजर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो इनके थ्रू लिए जाएंगे ओ का स्टैंड क्या था सो ऑफर्ड टू अरेंज अ मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड प्रपोज टू सेंड अ डेलीगेशन टू जम्मू कश्मीर इन लाइन विथ रिजोल्यूशंस ऑफ दी ओ आई सी काउंसिल ऑफ फॉरन मिनिस्टर्स तो देखिए क्योंकि हमें पता है कि ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्सटीन से आफ्टर दी उी अटैक इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो डायलॉग है दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इंडियन साइड ओके इंडिया ने काफ़ी क्लियर कर दिया है कि अगर uh, जब तक पाकिस्तान टेर टेररिज्म के ऊपर uh, एक्ट नहीं करेगा टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए काम नहीं करेगा इंडिया विल नॉट गोइंग टू एंगेज इन एनी काइंड ऑफ टॉक्स विथ पाकिस्तान पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एफ के बारे में बात की थी कि एफ़ के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को इसी वजह से रखा गया है बिकॉज़ पाकिस्तान इज फंडिंग टेरर एजेंसीज राइट तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है ग्रे लिस्ट में रखने के लिए एंड इंडिया इस ट्राइंग के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए अब पाकिस्तान इज़ यूजिंग इट्स पोजिशन इन ओ के आप इंटरनेशनली इंडिया पे प्रेशर बनाया जाए कि पाकिस्तान के साथ बातचीत स्टार्ट हो पाकिस्तान हैज़ रिपीटेडली सॉट टू रेज द कश्मीर इश्यू एट दी ओ आई सी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया ड्रामेटिकली इम्प्रूव रिलेश प्लेयर्स इन वेस्ट एशिया एंड इन द इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया यू ए ई बहरीन कतार इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश देखिए ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ हैं तो पाकिस्तान ये चाहता है कि इन कंट्री की पोजीशन को लेवरेज करके कश्मीर इश्यू पे बात की जाए और इंडिया को घेरा जाए इंडियाज रिस्पांस क्या था सो द ओआईसी शुड बी वॉचफुल दैट देयर प्लेटफॉर्म इज़ नॉट सबवर्टेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट सच एज़ पाकिस्तान टू इंटरफियर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया और फॉर एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा थ्रू बायस्ड एंड वन साइडेड रिजोल्यूशंस तो इंडिया ने काफ़ी क्लियर बोल दिया है कि ओ आई सी को जिस एम के साथ बनाया गया था उस एम पे आप ध्यान दीजिए इंडिया के इंटरनल अफेयर में एंड कश्मीर इज इंडिया इज इंटरनल अफेयर इंडिया इज मल्टीपल टाइम क्लैरिफाइड दिस तो ओ आई सी को इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने की ज़रूरत नहीं है इंडिया एंड ओ आई सी का क्या रिलेशन है सो इंडियाज रिलेशनशिप विद ओ आई सी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सटल सो एट दी फिफ्थ से फॉरन मिनिस्टर्स बांग्लादेश द होस्ट सजेस्टेड दैट इंडिया वेर मोर देन टेन परसेंट ऑफ दर्ल्ड मुस्लिम लिव शुड बी गिवन ऑब्जर स्टेटस बट पाकिस्तान अपोज्ड द प्रपोजल

कंप्लीटली सस्पेंडेड द टॉक्स विथ पाकिस्तान एंड इन दिस सिनारी जब हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन वर्स्ट कंडीशन पर है उस टाइम पर अगर हमको ओ आई सी में गेस्ट ऑफ़ ऑनर के तौर पर बुलाया गया है सो दैट इज़ सीन एज द डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑफ इंडिया देखिए सारे जब मुस्लिम बहुल जो कंट्री है वो अगर इंडियन फॉरन मिनिस्टर को गेस्ट ऑफ़ ऑनर के तौर पर बुला रहे हैं सो दैट इज़ श्योरली अ डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया क्रिटिसिजम ऑफ इंडियाज पॉलिसीज़ बाई ओ आई सी सो इट हैज़ बिन जनरली सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान से स्टैंड ऑन कश्मीर एंड हैज़ इश्यूड स्टेटमेंट क्रिटिसाइजिंग द एलिजिड इंडियन अट्रॉसिटीज़ इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी बट इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी ओ आई सी के स्टैंड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा यह क्लैरिफाई किया है दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वॉट वी आर डूइंग इन कश्मीर शुडेंट बी Uh, anyone else is concerned. so in 2018, the oic general secretariat has expressed strong condemnation of the killing of innocent kashmiris by indian forces in indian-occupied kashmir. it described the direct shooting of demonstrators uh, as a terrorist act and called upon the international community to play its role in order to reach a just and lasting solution uh, to a conflict in kashmir. ओ आई सी ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर दिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सी ए ट्वेंटी नाइनटीन एंड द बाबरी मस्जिद ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओके तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी गवर्नमेंट uh, क्या कर रही है ओ आई सी क्रिटिसाइज कर रही है विच इज़ नॉट देयर प्लेस ओ आई सी एज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर वाट इड कॉल्ड ग्रोइंग इस्लामो फोबिया इन इंडिया तो क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को माना जाता है कि वो आ, किसी पर्टिकुलर रीजन को फेवर करती है और किसी पर्टिकुलर रीजन को आ, वो ऑप्रेस करना चाहती है तो इस इस्लामोफोबिया को भी ओ ने एड्रेस किया था और इंडिया इंडियन गवर्नमेंट को बोला था कि आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया सो इंडिया हैज़ ऑलवेज मेनटेंड दैट ओ आई सी हैज़ नो लोकस टैंडिंग इन मैटर स्ट्रिक्टली इंटरनल टू इंडिया इंक्लूडिंग दैट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विच इज़ एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया तो जम्मू कश्मीर के मामले में किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है वॉट वी आर डूइंग इन जम्मू कश्मीर दैट इज कम्प्लीटली आवर चॉइस आवर प्रोटिव सो इंडिया इज रिलेशनशिप विध ओ आई सी मेम्बर कंट्रीज़ तो देखिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लीजिए कि इंडिया का ओ आई सी के साथ हाई हेलो वाला रिलेशन हो बट

इम्प्रूव अवर टाइज विद सऊदी अरेबिया एंड यू ए द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी वॉज अ स्पेशल चीफ गेस्ट एट दिक्सटी एट्थ रिपब्बलिक डे सेलिब्रेशन इन ट्वेंटी सेवेंटीन दी ओ आई सी इंक्लूड्स टू ऑफ इंडियाज क्लोज नेबर्स बांग्लादेश एंड मॉलदीव्स और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन इज एट इट्स स्पीक मतलब बेस्ट रिलेशन से वी आर गोइंग थ्रू एज ऑफ नाउ इंडियन डिप्लोमेट्स से बोथ कंट्रीज प्राइवेटली एडमिट डेट देर डू नॉट वॉन्ट टू कॉम्प्लीकेट देर बाइलेटरल टाइज विथ इंडिया ऑन कश्मीर बांग्लादेश ने कभी इंडिया के इंटरनल मामलों में दखल नहीं दिया है ना ही मालदीव ने दिया है बांग्लादेश ने कश्मीर में कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश इज ने क्रिटिसाइज इंडिया बिकॉज बांग्लादेश इज वेल अवेयर दैट देर मेजरली ट्रेड इज विथ इंडिया और इंडिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट काफ़ी सपोर्ट काफ़ी ट्रेड बांग्लादेश में है बांग्लादेश उसको रिस्क करना नहीं चाहता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आल्सो दैट आल्सो फॉल्स अंडर दी इंटरनेशनल रिलेशंस अम्ब्रेला और वो है इंडिया और नेपाल के बीच रेल सर्विसेज अग्रीमेंट को साइन किया गया है एक और बड़े न्यूज़ नेपाल को लेकर है कि नेपाल के जो uh, पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया था रिसेंटली जो अगेन uh, जो न्यूली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं दैट इज़ द शेर बहादुर देवबा और जो सक्सीड करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पी ओली को सो के पी ओली को एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर माना जाता था शेर बहादुर देवबा ने बोला है कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क क्लोजली विथ इंडिया सो क्या है रेल सर्विसेज अग्रीमेंट सो इंडिया And Nepal have signed a letter of exchange to the India Nepal Rail Services Agreement 2004. It will allow all authorized cargo train operators to utilize the Indian Railway Network to carry Nepal's container and other freight, both bilateral between India and Nepal or third country, from Indian ports to Nepal. दी ऑथोराइज कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स और एनी अदर ऑपरेटर ऑथराइज बाई इंडियन रेलवेज तो इंडियन रेलवेज ने इन लोगों को ऑथराइजेशन दिया है दैट दे केन कैरी आउट द कंटेनर्स विच शुड बी शिफ्ट टू नेपाल थ्रू इंडियन रेलवेज देखिए नेपाल इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री तो अगर उसको बाई मेरी टाइम मीन्स अगर उन्होंने कोई कंटेनर पोर्ट्स के थ्रू मंगवाए हैं पोर्ट्स तो के थ्रू आफ्टर पोर्ट्स अगर या तो उनको इंडिया से शिप करवाना पड़ेगा या बांग्लादेश से शिप करवाना पड़ेगा राइट तो बांग्लादेश से शिप शिप करवाना उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश के साथ वो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं तो वन एंड ओनली कंट्री कि अगर वो मेरी टाइम मीन से अगर उनके आ, फ्रेट आ रहे हैं कंटेनर आ रहे हैं तो वो उनको इंडिया के थ्रू ही शिप करवा सकते हैं और लैंड के थ्रू शिप करवाना इज़ वेरी कॉस्टली अगर इंडियन रेलवे के थ्रू वो शिप करवाते हैं तो वो इजी हो रहे हैं तो इसीलिए रेल सर्विसेज अग्रीमेंट इज़ सीन एज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट और नए जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज़ शेर बहादुर देवबा अबाउट रेल सर्विसज अग्रीमेंट टू थाउजेंड एंड फोर क्या है सो द रेल सर्विसज अग्रीमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड इन टू थाउजेंड एंड फोर बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेट ट्रेन सर्विसेज बिटवीन दीज टू कंट्रीज टू एंड फ्राम बीरगंज वाया रक्सौल तो देखिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चेक पोस्ट भी बनाई है सो so, तीन चेक पोस्ट एज ऑफ नाउ वर्किंग में है जिससे जो ट्रेड है वो ईजी हो जाए राइट सो ट्रेन जो जाएगी वो बीरगंज नेपाल और रक्सौल से जाएगी द अग्रीमेंट गाइड्स मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बाई रेल द अग्रीमेंट शेल बी रिव्यूड एवरी फाइव ईयर्स एंड मे बी मॉडिफाइड बाई द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बाई म्यूचुअल कंसेंट इन दी पास देर हैव बीन अमेंडमेंट्स टू आर एस ए थ्रू Uh, letter of exchange uh, on three occasions first such amendment was in 2004 second letter of exchange was signed in 2008 at the time of introduction of bilateral cargo between the two countries which required introduction of new custom procedures and third loe was signed in 2016 enabling rail transit traffic

सेगमेंट इन नेपाल एंड इज़ लाइकली टू इंक्रीज एफिशियंसी एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इवेंचुअली बेनिफिट इंग दी नेपाल इज कंज्यूमर जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो रोड रोड मार्ग से जो ज़्यादा हो रही थी डेफिनेटली अगर वो रेल फ्रेट जोड़ा जाए तो वो कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली किसको फायदा होगा यहाँ पे नेपाली कंज्यूमर को फायदा होगा रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सो द लिबरलाइजेशन विजिक पर्टिकुलरली रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स हूज कैरेजिज टेक्स प्लेस इन स्पेशल वेगन्स एंड विल बूस्ट रेल कार्गो मूवमेंट बिटवीन दी टू कंट्रीज Enhance regional connectivity. So, wagons owned by Nepal Railway Company will also be authorized to carry Nepal bound freight over the Indian Railway Network as per IR standards and producers. The signing of these LOE marks another milestone in India's effort to enhance regional connectivity under the Neighborhood First policy. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तो पहले ही दिन शपथ ग्रहण समारोह जब पहली बार हुआ था ट्वेंटी सिक्स मे ट्वेंटी फोर्टीन को उसी टाइम के उसी दिन ये तय कर दिया गया था ये दिखा दिया गया था दुनिया को कि इंडिया का जो पहला नियरेस्ट जो फॉरेन पॉलिसी विजन होगा वो होगा नेबरहुड फर्स्ट ओके उस टाइम पे सारे जो हमारे रीजनल लीडर्स है आ, नेबरिंग कंट्रीज के उनको बुलाया गया था बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव्स म्यांमार अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारे नेबर्स के लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को यहाँ पे बुलाया गया था ओके सो वी आर वेल अवेयर ऑफ द नेबरहुड पॉलिसी अदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है इन बिटवीन नेपाल एंड इंडिया सो नेपाल बीइंग लैंड लॉक्ड कंट्री इट इज़ सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम थ्री साइड्स एंड फ्रॉम वन साइड इज ओपन टुवर्ड्स तिबेट विच हैज़ वेरी लिमिटेड वहीक्यूलर एक्सेस तो वहाँ से ज़्यादा कुछ आप ट्रांसपोर्टेशन uh, नहीं कर सकते इंडिया नेपाल हैज़ अंडरटेकन वेरियस कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स टू एनहांस पीपल टू पीपल लिंकेजेस एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट

इंडिया इज लुकिंग टू डेवलप द इनलैंड वाटर वेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट अग्रीमेंट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सेस टू सी फॉर नेपाल कॉलिंग इट लिंकिंग सागरमाथा विथ सागर तो देखिये सागरमाथा डायलॉग के बारे में भी हमने uh, आगे पढ़ा है जैसे इंडिया में राइसीना डायलॉग होता है उसी तर्ज पर नेपाल में सागर माथा डायलॉग को इनिशिएट uh, किया गया है जस्ट टू अड्रेस दी रिजियोनल एंड सम ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज़ इन 2019 और सागर माथा जो नाम दिया गया है वो माउंट एवरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट uh, में दिया गया है सो इन 192019 इंडिया एंड नेपाल हैव जॉइंटली इनोग्रेटेड अ क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन पाइपलाइन कैरीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोतिहारी इन इंडिया टू आमलेख इन नेपाल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन कि कौन से वॉट इज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ़ फॉर द पाइपलाइन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन इंडिया में हो जाएगा मोतिहारी नेपाल में हो जाएगा अमलेखगंज. दिस इज द साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन सो उसका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी आप देख सकते हो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है सो इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी दैट एक्टिवली फोकसिस ऑन इम्प्रूविंग टाइज विद इंडियाज इमीडिएट नेबर्स, विच इज़ बींग टर्म्ड एज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन मीडिया इट वॉज स्टार्टेड वेल बाई इन्वाइटिंग ऑल हेड्स ऑफ द स्टेट्स

और उसके बाद के दो दिन सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के लीडर्स से मोदी ने पर्सनली मुलाकातें की ये इन्श्योर करने के लिए दैट नाउ द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल बी वेरी इम्पोर्टेंट एंड एम्बिशियस इन अवर बाइलेटरल रिलेशंस पाकिस्तान के साथ भी हमारी जो शुरुआत हुई थी दैट वाज फिनोमिनल वो काफ़ी अच्छी थी बट आफ्टर 2016 जब अटैक्स होते गए टेररिस्ट अटैक्स होते गए वो हमारे जो रिलेशन थे जो पीक पे थे वो वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गए इंडो नेपाल रिलेशंस कैसे है तो देखिए इंडो नेपाल रिलेशंस में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है कल्चरल टाइज आर वेरी स्ट्रोंग इन बिटवीन नेपाल एंड इंडिया पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन बिटवीन नेपाल एंड इंडिया बट पॉलिटिकल और बाइलेटरल रिलेशन जो है वो आए दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं ड्यू टू चाइनाज इन्फ्लुएंस ड्यू टू नेपाल्स ओन इश्यूज नेपाल में अब तक राजाशाही थी ओके इट इट वॉज राजाशाही कंट्री जब से लोकशाही आई है डेमोक्रेसी को लाया गया है नेपाल की पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी अप एंड डाउन देखे जा सकते हैं राइट right? और नेपाल हमेशा ये अक्यूज़ करता है कि इंडिया नेपाल के मामलों में इंटरफेरेंस करता है बट दैट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस रोकना है हमें दैट्स वाई इंडिया हैज़ टू एंटर दी इंडिया हैज़ टू इंटरफेयर इन नेपाल्स पोलिटिकल अफेयर्स ओके सो देखिए क्या है इंडो नेपाल रिलेशन वी विल डिस्कस दैट सो पहला तो नेबर है हमारा नेपाल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपाइज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिक हिस्टोरिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस और टाइज दैट पान सेंचुरीज ठीक है अगर आपको रामायण के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो सीता जी, जी जो है शी बिलोंग्स टू नेपाल राइट right. और तब से देखा जा रहा है कि भाई रोटी बेटी का जो रिश्ता है नेपाल और इंडिया के बीच दैट इज़ वेरी स्ट्रांग द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 फिफ्टी फॉर्म्स द बेडरॉग ऑफ द स्पेशल रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कल्चरल टाइज क्या है सो इंडिया एंड नेपाल शेयर सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज्म विथ बुद्धाज बर्थ प्लेस लुम्बिनी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल ओपन बॉर्डर है द टू कंट्रीज नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर एंड अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल बट दे ऑल्सो हैव क्लोज बॉन्ड्स थ्रू मैरिजिज एंड फेमिलियल टाइज पॉपुलरली नोन एज रोटी बेटी का रिश्ता कॉमन मल्टीलेटरल फॉरम्स कौन से है सो इंडिया एंड नेपाल शेयर मल्टीपल मल्टीलेटरल फॉरम्स सचैज बिबिन बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल बिम्स्टिक वे ऑफ बंगाल इनिशियेटिव फॉर मल्टी सेक्ट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन नॉन अलाइंट मूवमेंट एंड सार्क एट्सेट्रा वी आर ऑलरेडी वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल दीज ऑर्गेनाइजेश तो नेपाल के साथ हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता है काफी स्ट्रॉन्ग रिश्ता है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव श्योरली आते रहते हैं बट दैट इज अ पार्ट ऑफ एवरी बायोलिटरल रिलेशन अमॉन्ग दी कंट्रीज राइट ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसमें इश्यूज़ ना हो राइट बट नेपाल के साथ इंडिया डज नाट देखिए कभी भी देखिए पाकिस्तान के साथ जैसे हमने आ, एक दो इशू है तो पाकिस्तान के साथ हमने एंटायरली जो टॉक्स थे उसको सस्पेंड कर दिया नेपाल के साथ हमारा जो आउटलुक है दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट नेपाल के साथ भले ही हमारे बॉर्डर इशूज़ है पोलिटिकल टू तू मे में चलती रहती है बट स्टिल इंडिया होल्ड ऑन टू नेपाल Uh, जब भी नेपाल में नेचुरल uh, कैलिमिटीज़ आती है या फ्लड uh, या अर्थक्वेक से नेपाल गुजरा है इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन द फर्स्ट अटेंडेंट टू सर्व द पीपल ऑफ नेपाल ओके इश्यूज़ क्या है सो इन ट्वेंटी सेवन डे आप देख सकते हो देखिए uh, तीनों साइड से वो इंडियन uh, स्टेट से घिरा हुआ है कौन से कौन से इंडियन स्टेट से सिक्किम वेस्ट बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड राइट और ऊपर है चाइना तिबेटियन रीजियन सो इन 2017 नेपाल साइंड अप टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विच सॉट टू क्रिएट हाईवेज एयरपोर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री सो इसका इंडिया ने काफ़ी अपोज किया था बी आर आई वॉज रिजेक्टेड बाई इंडिया एंड दिस मूव ऑफ नेपाल वॉज सीन एज एन इंक्लिनेशन टवर्ड्स चाइना जैसे कि मैंने आपको कहा कि के पी ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे वो एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे तो इसी वजह से ये सारे डिसीजन लिए गए थे करंटली इंडिया एंड नेपाल हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स ओवर कालापानी एंड लिंपियाधूरा लिपुलेक ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया नेपाल एंड चाइना एंड सुस्ता एरिया वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तो आ, उत्तराखंड और बिहार में ये बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं नेपाल का ये कहना है कि सेंचुरीज़ से ये जो एरियाज़ थे वो हमारे हैं और रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किया है रोड बनाना स्टार्ट किया है और उसको नेपाल ने क्या किया था अपोज़ किया था इट इज़ स्टिल इन डिस्कशन और वो ये जो बॉर्डर इश्यूज़ है इसको भी इसलिए देखा गया था कि भाई चाइना ने प्रोवोक किया है नेपाल को कि आप इंडिया के इस एरियाज़ को क्लेम करो ओके सो एस सुन ऐस चाइना का जो प्रोवोकिंग है इंटरफियरेंस है वो हट जाएगा हम इस इशू को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू एन इंटरनेशनल न्यूज़ और वो है असेसिनेशन ऑफ हैतीस प्रेसिडेंट तो हैती नाम का जो एक छोटा सा कंट्री है उनके प्रेसिडेंट को धोखे से मार दिया गया है उनको असेसिनेट किया गया है इंडिया में एज यू ऑलरेडी नो के इंदिरा गांधी राजीव गांधी लाल बहादुर शास्त्री दीज आर सम ऑफ दी इंडियन लीडर्स जिनको असेसिनेट uh, किया गया था जिनको मार दिया गया था सो रिसेंटली हैथीज प्रेसिडेंट जोवेनल मोइज वॉज असेसिनेटेड एट हिज प्राइवेट रेसिडेंस इन पोर्ट ओ प्रिंस हैथी और देखिए हैथी का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो आपको यहाँ पर बताया गया है ऑन uh, द इन द कैरेबियन सी क्या है हैथी सो हैथी इज़ अ कंट्री इन द कैरेबियन सी दैट इंक्लूड्स द वेस्टर्न थर्ड ऑफ द आइलैंड ऑफ हिस्पानोइला एंड सच स्मॉलर आइलैंड एज गोनावे टोर्ट्यू ग्रांड काई एंड वाचे द कैपिटल इज पो टू प्रिंस ओके तो हैथी का जो कैपिट है जो है वो छोटे छोटे आईलैंड से बना हुआ कंट्री है जिसका जो कैपिटल है दैट इज़ पो टू प्रिंस इट्स पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट एंटायरली डिसेंडेड फ्रॉम अफ्रीकन स्लेव्स वॉन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन एटीन ओ फोर मेकिंग इट द सेकेंड कंट्री इन द अमेरिकाज आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स टू फ्री इट्स सेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल रूल तो देखिए काफ़ी सालों से वो फ्री कंट्री है फ्रॉम एटीन जीरो फोर इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्लैकलेड रिपब्लिक द नेशन अंडर वेंट अबाउट टू सेंचुरीज ऑफ स्पेनिश कॉलोनियल रूल एंड मोर देन अंचुरी ऑफ फ्रेंच रूल ओवर दी सेंचुरीज हाव एवर इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड सोशल डिफिकल्टीज एज वेल एज अंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स है बी सेट हैथी विद क्रॉनिक पॉवर्टी एंड अदर सीरियस प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सिविल वॉर से हैथी गुजरा है एंड देट्स वाई आज भी अगर उसकी इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कंडीशन देखे सो इट इज़ नॉट अ स्टेबल It is, the Western, it is in the Western Hemisphere's poorest country, has a painful history of foreign interventions, economic ex exploitation, and dictatorial rules. रिसेंट इंस्टेबिलिटी क्या है सो हैथी लेटेस्ट इंस्टेबिलिटी रिवॉल्व अराउंड डिस्प्यूट ओवर जोवेनल मोइज़ प्रेसिडेंसी ही वॉज इलेक्टेड इन 2016 टू अ फाइव ईयर टर्म बट बिकॉज ऑफ कंटेंशन ओवर इलेक्शन रिजल्ट डिड नॉट टेक ऑफिस अंटिल दी नेक्स्ट ईयर। अंडर जोवेनल मोयज इज एडमिनिस्ट्रेशन द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन हैथी फर्दर डिटोरियरेटेड जोवेनल मोयज इंसिसटेड दैट द एंड

एंड ट्वेंटी थ्री अपोनेंट्स वर अरेस्टेड अभी म्यांमार में जो मिलिट्री को हुआ उसी तरह से हैथी में भी ये बताया गया कि भाई ये मिलिट्री कु या पोलिटिकल को की तरह ये देखा गया एट द सेम टाइम देर हैज़ बीन अ सर्ज इन किडनेपिंग रेप्स किलिंग्स एट द राइवल गैंग्स बैटल ईच अदर एंड द पोलिटिकल फॉर कंट्रोल ऑफ हैथीज स्ट्रीट्स तो देखिए किस तरह से सिविल वॉर बर्स्ट आउट कर गया हैथी में इन पास्ट फ्यू मंथ्स सो फॉर दिस ईयर द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैव बीन अक्यूज जोवेन एल गवर्नमेंट ऑफ हैविंग टाइज टू द गेंग्स फॉर दिसर एटलीस्ट टू सेवेंटी एट हैथियंस हैव बीन किल्ड

विटनेसिंग द सेम इन अफ़ग़ानिस्तान ऑल्सो अफ़ग़ानिस्तान में भी तालिबान नाम का जो एक टेरर ग्रुप है जिनको बाकी सारे कंट्री टेरर ग्रुप मानते हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट अफ़गानिस्तान पर वो लोग क्लेम कर रहे हैं दैट दीज आर अवर एरियाज़ और जब तक अफ़गान गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर काम नहीं करेगी वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग टेरर इन दीज एरियाज ऐसा तालिबान का कहना है तो ऐसे ही जो हालात है वो हैथी में देखने को हमें मिले इंडिया और हैथी के जो रिलेशन है दैट इज़ वेरी 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 लिमिटेड सो पॉलिटिकल क्या है सो इंडियाज़ रिलेशन विज़ with haiti have been friendly though interactions between the two countries has been very limited india established diplomatic relations with haiti in september 1996 haiti appointed a honorary council in new delhi in october 2014 india has had sent a 140 member central reserve police force troop to haiti on a peace mission under auspices of the यूनाइटेड नेशंस इन अगस्त 1995 और उसके बाद हमारे जो बायलेटरल रिले हैं वो स्टार्ट हुए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन इन अक्टूबर ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड एट वन फोर्टी मेम्बर फॉर्म्ड पुलिस यूनिट फ्रॉम इंडिया ज्वाइंट द यू एनस स्टेबिलाईजेशन मिशन इन टू हेल्प With international efforts to ensure a safe environment in Haiti. The last units of FPU stationed in Haiti left in July 2019 on completion of assignment. At the multilateral level, the government of Haiti has supported Indian uh, candidatures in elections for various international organizations, including elections of इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनेस्को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इन दी रीसेंट पास्ट हो देखिए इंडिया ने हमेशा सॉरी हैथी ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सो हमारे जो रिलेशन है दो इट इज़ वेरी लिमिटेड इट इज़ ऑलवेज वेरी कॉडियल वो खराब नहीं है अच्छे ही रहे हैं फ्रॉम द इंसेप्शन कॉमर्स के बारे में अगर बात करें सो इंडिया ट्रेड विद हैथी इज स्मॉल बट इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द कंट्री हैव बीन ग्रोइंग इन रिसेंट ईयर टू वे ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वॉज यू एस डी नाइंटी थ्री मिलियन डॉलर्स बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी एटीन नाइनटीन दी मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स टू हैथी आर फार्मास्यूटिकल गुड्स टेक्सटाइल्स रबर प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक एंड इलोनियम प्रोडक्ट्स इंडिया हेज ग्रांटेड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू हेथी एंड प्रोडक्ट्स एज अ स्पेशल जेस्टर टू दी लीस्ट डेवलपमेंड कंट्री तो इंडिया हमारे बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी बना हुआ है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बिल इन यूपी और वो रिलेट करता है पॉपुलेशन से जो कि है अभी अभी गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सो रीसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनवेल्ड द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030 वन ट्वेंटी थर्टी ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि मनाया जाता है इलेवेंथ ऑफ जुलाई को देखिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इंडिया के काफ़ी सारे जो इश्यू है हैं या मेजर जो इश्यूज़ हैं वो उनके पॉपुलेशन की वजह से है देखिए पॉपुलेशन को आप दोनों तरीके से देख सकते हो पॉपुलेशन कैन बी एन इशू एंड पॉपुलेशन कैन बी योर स्ट्रेंथ एज वेल बट इंडिया की जो रीज uh, पॉलिसीज़ है इन पास्ट ईयर्स तो वो हमारे पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ के तौर पर अकोमोडेट नहीं कर पाई है एंड इसी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है नाउ इट इज़ स्लोली बिकमिंग रूट कॉज ऑफ इंडियाज मैनी प्रॉब्लम्स वाटर स्केरसिटी फूड स्केरसिटी पल्यूशन लिटरेसी जॉब एम्प्लॉयमेंट तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं उनका अगर रूट कॉज आप देखने जाओगे तो वो क्या है पॉपुलेशन सो नाउ जैसे चाइना ने अपनी पॉलिसी बनाई थी और चाइना को उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला पॉपुलेशन के रिगार्डिंग तो उसी तर्ज पर नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो थिंकिंग वी शुड हैव अ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इन इंडिया ओके इंडिया में जब इस तरह की डिस्कशन स्टार्ट होती है तो उसको हमेशा रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाता है बिकॉज सम रिलीजन के कुछ रूल्स की वजह से हमेशा ये काफ़ी वेरी डाइसी टॉपिक हो जाता है एंड आवर गवर्नमेंट्स डू नॉट वॉन्ट टू एंटर इन दिस काइंड ऑफ डिफिकल्ट एरिया राइट और इसी लिए आज तक पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात नहीं हुई है बट यूपी ने यह स्टार्ट किया है कि किस तरह से जनसंख्या को नियंत्रण किया जाना चाहिए राइट right? सो so, क्या है फ्यूचर प्लानिंग आने वाले दस सालों के लिए सो दी उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थर्टी वॉज लॉन्च टू रिड्यूज मेटरनल एंड इन्फंट डेथ इन अ टाइम बाउंड मैनर पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा सो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 2.7 से 2.1 किया जाएगा बाय 2026 एंड 1.7 बाय 2030 इंक्रीज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रविलेंस रेट फ्रॉम 31.7 टू 45 परसेंट एंड 52 टू परसेंट टू देखिए एक मेजर जो इंडिया में इश्यू है कि लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स uh, के बारे में पता ही नहीं है दैट हाउ यू कैन प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी तो और ये क्यों नहीं पता है बिकॉज पीपल डू नॉट हैव द एक्सेस पीपल डू नॉट हैव दी नॉलेज हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक जो सिनारीो है उसमें वी डू नॉट अलाउ अवर चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स बात करना इज़ अ टेबू राइट प्रेगनेंसी के बारे में बात करना या कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात करना इज अ टेबू सो so, जब तक ये टेबू माना जाएगा तब तक हमारी जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो ऑन ग्राउंड पे उसका रिजल्ट नहीं दिखा पाएगी सो गवर्नमेंट विल नाउ ट्राई टू हिट द ग्राउंड विथ दी एक्चुअल पॉलिसीज़ इंक्रीज मेल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज फ्रॉम टेन पॉइंट एट परसेंटेज टू फिफ्टीन पॉइंट वन परसेंटेज बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स मेल कॉन्ट्रासेप्टिवज आर वेरी ईजी टू यूज इन कंपेरिजन विद वुमन कॉन्ट्रासेप्टिवज राइट तो ये जो अवेयरनेस uh, है वो बढ़ाई जाएगी डिक्रीज़ मेटर्नल मोर्टालिटी रेट फ्रॉम 197 नाइन्टी सेवन टू वन फिफ्टी बाई एंड नाइन्टी बाय बाई डिक्रीज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो छोटे बच्चे जो uh, जन्म लेने से दो साल ढाई साल में ही डेथ हो जाती है उनकी क्यों क्योंकि उनको ना अच्छा पोषण मिलता है पोषण अच्छा क्यों नहीं मिलता क्योंकि मदर uh, इज़ फेसिंग माल न्यूट्रिशन तो जब माँ माँ के थ्रू उसको दूध मिलेगा और माता के अंदर ही जब पोषण नहीं है तो वो बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा तो ऐसे इन्फंट मोर्टालिटी को कम किया जाएगा डिक्रीज अंडर फाइव मोर्टालिटी रेट फ्रॉम फोर्टी सेवन टू थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी थर्टी राइट सो so, क्या कहना है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का दैट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टू पॉवर्टी इन सोसाइटी हिंस अंटिल ऑल सेक्शंस आर मेड कॉम्प्रीहसिवली अवेयर देर विल बी अ डीले इन फुलफिलिंग वरियस गोल्स एक सिंपल सी चीज़ है राइट आप समझ सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल सेक्टर्स में जो रूट कॉज है इश्यूज़ का वो क्या है पॉपुलेशन है In 1989 the United Nations Development Program recommended that 11th of July be observed by the international community as World Population Day a day to focus attention on the urgency and importance of population issues UNDP was inspired by the public interest and awareness that was created by 5 billion day on 11th july 1987 when the world's population reached five billion. A resolution to the effect was passed and the day was first marked on 11th of July 1990. So Palibar World Population Day 90s the United Nations पॉपुलेशन फंड वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन द सेम ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयड पेरेंट्स हैव दी एक्सक्लूसिव राइट टू डिटरमाइन फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबली द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ देर चिल्ड्रेन और दो हजार इक्कीस का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया वो क्या विजन के साथ मनाया गया तो उसकी थीम रखी गई थी राइट्स एंड चॉइसिस आर दी आंसर वेदर बेबी बूम और बस्ट द सल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग ऑल पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स तो जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या है तब तक ये पॉपुलेशन जो है उसकी जो पॉलिसीज़ है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाएगा यूपीज़ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी क्या कह रही है सो द पॉलिसी प्रपोजिस फाइव की टारगेट्स क्या क्या है वो फाइव की टारगेट्स सो पहला तो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है राइट एंडिंग क्योरेबल मैटरनल मोरटालिटी एंड इलनेस तो मैटर्निटी से रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है कई बार महिलाएं वरियस रीजन के को लेकर प्रेगनेंसी uh, के दौरान उनकी मौत हो जाती है डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो उसको कैसे रोका जाए उनको तार, उसको टारगेट किया जाएगा उसको एम किया जाएगा उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी एंडिंग क्योरेबल इन्फंट मोर्टालिटी जो बच्चों को क्योर किया जा सकता है उनको वैक्सीन के अभाव में या सो एंड सो रीज़न की वजह से अगर उनकी मौत हो रही है अगर वो क्योरेबल है तो उसके ऊपर टारगेट किया जाएगा कि अगर क्योरेबल रीज़न की वजह से कोई भी बच्चा नहीं मरना चाहिए उसको वो सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए इन्श्योरिंग बेटरमेंट इन देयर न्यूट्रिशन स्टेटस बेटरमेंट ऑफ सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज़ अमोंग द यूथ एंड केयर ऑफ एल्डर्स हो सकता है देखिए कॉन्ट्रासेप्टिवस uh, के बारे में शहरों के बच्चों को जो पता हो शहरों के अडल्ट को जो पता हो वो गांव की महिलाओं को या गांव के एडल्ट्स को नहीं पता होगा क्यों बिकॉज ऑफ द एक्सेस बिकॉज ऑफ दी सोशल स्ट्रक्चर के शहरों में अब हो गया है कि आप फ्रीली कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदने जा सकते हो गांव में हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मिलता ही ना हो राइट right? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा द यूपी गवर्नमेंट लॉ कमीशन हैज ऑल्सो प्रिपेयर अ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अंडर विच अ टू चाइल्ड नॉम विल बी इंप्लीमेंटेड एंड प्रमोटेड एज पर द ड्राफ्ट वायोलेशन ऑफ द पॉलिसी इज पीनालाइज्ड विथ मेजर्स सच एज बारिंग फॉर इलेक्शन एंड एविडेंस इज रिवॉर्डेड विथ मेजर्स सच एज प्रमोशन इन जॉब्स सब्सिडी एटसेट्रा तो अगर जो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करेंगे उनको काफ़ी सारे इंटेंसिव्स भी दिए जाएंगे गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशंस दिए जाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड इश्यूज क्या है सो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ अबाउट 7.7 बिलियन जिसमें से 1.3 बिलियन इज़ इन इंडिया एंड इज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन इन 2030 थर्टी 9.7 बिलियन इन 2050 एंड 10.9 बिलियन इन 2100 तो so, आने वाले 70 सालों में जो पॉपुलेशन है वो 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी रीज़न फॉर ग्रोथ क्या है सो दिस ड्रामेटिक ग्रोथ हैज़ बीन ड्रिवन लार्जली बाय इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ पीपल सर्वाइविंग टू रिप्रोडक्ट productive age and has been accompanied by major changes in fertility rates, increasing urbanization and accelerating migration. These trends will have far-reaching implications for generations to come. Resources come होते जा रहे हैं और population बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में हम काफी सारे issues को invite करे अफेक्टेड एरियाज़ बेसिकली कौन से होंगे सो दे अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉवर्टी एंड सोशल प्रोटेक्शन दे ऑल्सो अफेक्ट एफर्ट्स टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर एजुकेशन हाउसिंग सैनिटेशन वाटर फूड एंड एनर्जी तो ये सारे ही टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाउ द पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज़ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू भीम एप्लीकेशन और भीम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है भूटान में सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनंस अलॉन्ग विथ दी काउंटर पार्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ भूटान हैज़ जॉइंटली लॉन्च्ड भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भीम यू पी आई इन भूटान और इसी के साथ भीम ने जो अपना रीच है वो बढ़ा दिया है द पेमेंट सिस्टम वॉज लॉन्चड बाई एन पी सी आई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड द इंटरनेशनल आर्म ऑफ नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एन पी सी आई इन पार्टनरशिप विद द रॉयल मॉनिटरी ऑथोरिटी ऑफ भूटान ओके भूटान अपनी जो Uh, सबसे बड़ी जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ शेयर करता है और भूटान काफ़ी सारे मामलों में इंडिया के ऊपर रिलायबल है uh, भूटान चाइना के इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आया और इंडिया को उसने हमेशा क्या किया है सपोर्ट किया है एंड दैट्स वाई भूटान और इंडिया के जो बायोलिट्रल रिलेशन है दैट इज़ ऑल टाइम हाई उसमें कभी डाउन आया ही नहीं है ओके सो भूटान इज द फर्स्ट कंट्री टू अडोप्ट यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर इट्स क्विक रिस्पांस कोड एंड द फर्स्ट कंट्री टू अवर इमीडिएट नेबरहुड टू एक्सेप्ट मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स थ्रू द भीम एप्लीकेशन इट इज आल्सो द सेकंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू हैव भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस एट मर्चेंट लोकेशंस तो इसके पहले सिंगापोर ने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट किया था भीम यू को सेकेंड कंट्री इज भूटान वेरी मच

इट इज़ एन इनिशियेटिव टू अनेबल फास्ट सिक्योर रिलायबल कैशलेस पेमेंट्स थ्रू दी मोबाइल फोन आई एम प्रिटीमट श्योर कि आप अगर मोबाइल यूज करते हो तो हर किसी के मोबाइल में भीम यू पी आई का ऐप होगा भीम इज़ बेस्ज ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टू फेसिलिटेट ई पेमेंट्स डिरेक्टली थ्रू बैंक्स इट इज़ एन इंटर ऑपरेबल विद अदर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन एंड बैंक अकाउंट्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम अलाउिंग यूजर्स टू ट्रांसफर मनी ऑन रियल टाइम बेसिस अक्रॉस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ वंस बैंक अकाउंट टू दी अदर बॉडी ओके जस्ट नंबर के बेस पे मोबाइल नंबर के बेस पे आप एक दूसरे के बैंक अकाउंट में यू कैन ट्रांसफर द मनी आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में अपने मोबाइल नंबर के साथ आपका अपना बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि एवरी वन हैज देज देर यू पी आई आई डी एडवांटेजेस क्या होंगे इसके सो द सिंपल सेफ कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स सिस्टम हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनंट फॉर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स और आज जो डिजिटल पेमेंट है वो कोई नई बात नहीं है एवरी वन इज़ अवेयर अबाउट द आइडिया The payment infrastructures of the two countries are seamlessly connected and will benefit a large number of tourists and businessmen from India who travel to Bhutan each year. This will enhance the ease of living and ease of traveling through cashless transactions at the टच ऑफ अ बटन इन ट्वेंटी ट्वेंटी यूपीआई अनेबल्ड कॉमर्स वर्थ फोर्टी फाइव सेवन बिलियन यू यू एस डॉलर विच इज इक्विवल टू अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी देखिए फिफ्टीन परसेंट ऑफ इंडिया का जो जी डी पी था वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू हुआ सो यू कैन अंडरस्टैंड दट हाउ लार्ज द इकोनॉमीज हाउ लार्ज द स्केल इज रुपे कार्ड स्कीम क्या है सो so, रुपे इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डोमेस्टिक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क इन इंडिया द नेम डिराइव फ्रॉम दी वर्ड्स रुपी एंड पेमेंट रू पे एम्फोसाइजिज दैट इट इज़ इंडिया वेरी ओन इनिशिएटिव फॉर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स द कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन इन सिंगापोर भूटान यू ए ई बहरीन एंड सऊदी अरेबिया NPCI an umbrella organization for operating retail payments and settlement systems in India is an initiative of RBI and India's Bank Association under the provisions of the Payment and Settlement System Act 2007 it is a not for profit company under the provisions of section 25 of companies act 1956

अगर कोई डाउट है तो हमें बताइए एंड वी विल सॉल्व इट टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ स्टे हैप्पी थैंक यू